तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, यार ये जो ये गाना बख्शी को डेडिकेशन है, जागले ये भाई गाना बख्शी को डेडिकेशन है, तोर हुआ ऐसा नाम चल ऐसा ये गाना बख्शी के साथ रुक गया रे तो यार ये उधर भी कर सकते थे, ये काम उधर भी हो सकता था, इधर आके तो ज्यादा फील हो रहा है, क्यों मुझे क्यों निकाला जी। अब हम अपने ये रूम से निकल के तो जा रहे हैं सामने, सी व्यू सामने ही है हमारे, बिल्कुल दो दिन तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो अब हमने सोचा कि नीर जी सी व्यू भी देख लें क्योंकि रात का यार तुम कितने खुश हो यार, ओहो बख्शी ताला बोल करने के बाद जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओहो जिन्हें मैं नुमार सुटिया, यार कितने खुश है बेशरम लोग, लक पतला पन। ये देखें जी ये अरसलान भी जा रहे हैं, तेरा नाम बहुत ज्यादा शदीद किस्म का, सी व्यू में कितना नहीं आ रहे, आंसू नहीं आ रहे, हां उस पे ये छलांग लगाने का तरीका बता रहा है जी। वो दरमियान में है वहाँ पे अच्छी जगह से हम ना मतलब के यार इसको 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 संगल मान दो, इसको संगल मान दो, मैं आपको दिखाता हूँ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मानता हूँ कि गलती मेरी है, मैंने मैच करवाया नहीं यार, सीरियसली कराची टूर को ओए नहीं यार, नहीं छलांग नहीं मारने देंगे, इसको ताली भाई हम इसको संगल डालने लगे हैं पैर पे ताकि ये छलांग ना मार दे भाई, रिक्वेस्ट है मुझे उधर ले जा यार, वो देख कोने नहीं दरमियान है वो उधर से यार इधर चलो यार, हमारे साथ एक और लड़का भी था जिसने दूसरा ओवर किया था वो नहीं खर्चा हो गया इतना, मतलब के नहीं यार यार मुझे ना रोको, हम एंजॉय करेंगे यार, नहीं यार कोई मसला अब नहीं, क्रिकेट है यार, बोलने को नहीं पड़ेंगे तो किसको पड़ेंगे, मैं बस डिस्पेशन में चला गया हूँ, अब तुम सबूत जूनियर को मिस कर रहे हो, उसके वर्ड्स यूज कर रहे हो, मैं बस जा रहा हूं यार, इनकी कन्वर्सेशन सुन लो, इनकी मेन पार्ट कम दे दे, हाउ यू टेक दैट, ठीक है तारे सीनियर बोल ऑफ द टीम, बाय बाय, इसको चॉइस ऑफ फोर्थ चॉइस, ओके वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बोल ऑफ द टीम, नॉट सीनियर, आफ्टर तालिब एक्चुअली विथड्रॉ फ्रॉम द बॉलिंग इन द लाहौर टूर्नामेंट एंड नाउ ही हैव जंप्ड बैक इन एंड he's trying to cover that gap we have in the champs 11 but no mutahir I don't know why are you dragging this much I'm saying I admit my performance but still you are dragging just like in a personal discussion you are saying I admit you have to in the no mutahir listen to me you have to say out loud like tu patri sana utri hai still saying उसने बॉलिंग गलत की, उसने ये की, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं कि जो आपने एक ओवर में 17 स्कोर कंसीड किए लास्ट ओवर में 16-17 आपने जो आपकी जो बुरी परफॉर्मेंस थी वो बॉलिंग की तरफ से दो ओवर पहले मेरा क्वेश्चन खत्म होने लगा, दो ओवर जो हैं वो हमारे ऊपर से गलत लग गए ठीक है, उन्होंने पहले टूर्नामेंट में पहले मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की, दोनों ने क्रूशियल टाइम पर उनसे मिस्टेक हुई, लेकिन जहां पर आपको कवर करना चाहिए था आपने भी वहां पर एक्स्ट्राज दे के उनको बूस्ट दे दिया उनके स्कोर में, यार मैं ना किसी को ब्लेम नहीं करूंगा ठीक है, बॉलर्स को स्कोर पड़ता है, लेकिन जो हमारा मेन फॉल्ट रहा है ना, जो हमारी गलती रही है आज, वो मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा स्कोर थे, हमने ऑलमोस्ट उस एक्स्ट्रा स्कोर के अंदर आप भी शामिल हो, बिल्कुल यार मैं रेगुलर बॉलिंग कर नहीं रहा ठीक है, लेकिन मैं इस बात को एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, बॉलिंग की है मैंने, मुझे भी 16-17 स्कोर पड़ा है,
हमने टोटल 54 रन्स कंसीड किए मेरे ख्याल से, उसमें से हमने 20-25 रन्स एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, उनके लेफ्टी उस्मान भाई बहुत अच्छी बैटिंग, फाउज भाई तो हैं ही बड़े अच्छे बैट्समैन, और उस्मान भाई ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और एहसन चील भाई बॉलर वीडियोस में देखते थे आज खेला, थोड़ा मुश्किल हो गया था बैटिंग भी, लेकिन हमारे हैं और बहुत अच्छी टीम है दीप ब्लॉक। तो ये बताएं कि दोबारा जो क्रूशियल मैचेस होंगे, हाँ जी, उसमें क्या फहीम भाई बख्शी और आप ओवर करना पसंद करेंगे दोबारा? मेरी बात सुने, इस परफॉर्मेंस के बाद ओवर्स में नहीं नहीं, फहीम और बख्शी हमारे मेन बॉलर्स ही हैं रहेंगे, स्कोर पड़ता रहता है यार, क्रिकेट है, बाउंड्रीज वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह होते रहते हैं, प्रेशर मैच था, होम ग्राउंड नहीं थी हमारी, लाहौर और कराची पूरा चेंज हुआ है, एक तो हम दो दिन से सफर में थे, थकावट वगैरह ये इशू, ये एक्सक्यूजेस में आ जाएगा, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था, ये कहना चाह रहा था कि ये हम आप जो बहानेबाजी कर रहे हैं हमारे, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक फैक्ट होता है, हम एक तो फर्स्ट टाइम कराची आए हैं, और कराची का जो मौसम था बहुत नॉर्मल मौसम था, अभी हम सी वी यू के उसमें कॉर्नर पे हैं, बिल्कुल एच पे हैं बिल्कुल, और यहाँ पे मौसम ठीक है, हुडी पहना हुआ है, हवा थोड़ी थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन मौसम का भी फर्क था, और ये बहाने शुरू हो गए हैं, जगह का भी फर्क था, हमें एक्चुअली जो आदत हो गई है ना फुटसॉल रेंज की हो गई है, फुटसॉल रेंज की जो वाबडा टाउन और वो जो वाबडा टाउन डीएचए ना, वो तो नया ओपन ऑर्डिनरी है ना, मतलब उसकी हाइट, उसकी लाइटिंग, ये वो उसकी ग्रास, ये वो आउट क्लास है, उसकी आदत हमें हो गई है, अब हम कहीं और जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंसेस कुछ हल्का लगता है, हमें हल्का लगता है, ऐसी चल रही है परफॉर्मेंस, एक ये फैक्ट भी है, लेकिन नो डाउट वो बहुत अच्छा खेले हैं, और क्रिकेट है यार, विन एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन हमें इस तरह स्कोर, एक्स्ट्रा स्कोर जो आना नहीं देना चाहिए था, और हमने अपने दो तीन मेन फास्ट बॉलर्स को मिस भी किया, प्रोफेसर फराज साहब, सबूत जूनियर और इजगान को, ये हमारे तीन बॉलर से अपने घर की मसरूफियात की वजह से ये लोग नहीं आ सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे, या अदील भाई जब भी आएंगे लाहौर, तो हम अपनी पूरी टीम से खेलेंगे इंशाल्लाह, और टफ टाइम देंगे, बाकी अभी हम एनालिसिस करने लगे हैं इधर दरिया के किनारे बैठ के, इसमें हमने एक काम किया कि फहीम को संगल बांध दिया, ताकि वो फहीम पुल जाने के चक्कर में देख ले, आप देख सकते हैं, लेकिन एक और मसला भी है यार, इसको स्कोर पड़ा है ठीक है, ये फील कर रहा है थोड़ी सी, इसके है शर्म नदानी यार, इसे नहीं खाना चाहिए था, नहीं खाना, लेकिन एक बंदा है सेकंड बॉलर को सेफ करना चाहिए, इस तरह होकर फिर रहा, इस तरह छोड़ो के फिर रहा बहुत ज्यादा, वो कौन है, वो ये चौधरी फाइज साहब तो नहीं है, ये चौधरी फाइज साहब तो नहीं है, ये भी तो साथ थे ना हमारे, ये तो से एक्सपेक्टेड समहाउ वी लाइक वी आर गोइंग दिस वे, वी वेंट इनटू द सी, it happened a lot of times, but still do we learn bhai jaan, hello inshallah, we will soon, ghum gaye ho bilkul hi, english bolna shuru ho gaye ho, viewers ko batao ki aaj kya galtiyan hui hai, गलती क्या हुई है, गलती एक्स्ट्रा बहुत हुई है, अगर हमें 53 मारा है तो उसमें से हमने 24 वाइडों का दिया, इसमें कसूर किसी का, इसमें कसूर हम बॉलर्स का था सिंपल, बस इसपे माना तो सही ना, पहले तो आप मानने भाई, देखिए मानने ना मानने की बात नहीं है, आप मानना पड़ता है, आप शेफ जट बन जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, अंडे वाला बर्गर। अब ताली भी मेरा दिल कर रहा है दो चार दुक्कियां लगा लेनी, इस तरह ही हम जो है ना अपना आज का व्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल लाहौर जाके, नहीं 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 व्लॉग का से खत्म हो गया, पोस्ट मैच एनालिसिस है, ओ इतना कर लिया हमने, 15 मिनट हो गए, तुमने पढ़े लिखे आदमी से नहीं लिया अभी तक एनालिसिस, चलो नहीं ठीक है जी, चलो ठीक है, हमारे साथ आए ही कोई नहीं है, हाँ जी भाई जान आप भी एनालिसिस दे दें जल्दी से, देने एक एक मिनट का यार, एक मिनट का, अगर कोई न्यू है तो चीजों के रूट को पकड़ने की जरूरत है, आई थिंक तालिब आपका रोल टीम में डिफाइंड नहीं है, पहली चीज है आपको खुद नहीं पता आपका रोल क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, आप बैट्समैन है या आपने ब्लॉगिंग पे ज्यादा फोकस करना है ड्यूरिंग द मैच, उससे पूछा, उससे बात की, कैमरा किधर है, वो क्या है, मैं कैमरे में कैसा हूँ, सॉरी तुझसे ये बोल रहा है उन बुलशिट्स की वजह से हो ये रहा है कि आप मैच से फोकस आउट हो रहे हैं, आप एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, अगर आपने ओपन करना है
अब तीसरा ओवर ना करें, ये भी हमारे लिए आसान बात है समझने के लिए कि आपने तीसरा ओवर नहीं करना जब आपने फेस करना है। और ये कोई ये मैच की सिचुएशन नहीं थी, अंडरस्टूड बात है, आप दूसरा ओवर करेंगे या पहला ओवर करेंगे, अगर सरकारी ने पहला कर दिया तो दूसरा करेंगे, जिसने फेस करना है वो ओवर ना करें, लेकिन आपने ओवर चेंज किया अपना। उसके बाद आप थक गए, प्रेशर भी था, सारा कुछ था, पहला पॉइंट तो यह, दूसरा पॉइंट है वो सबको पता वाइट्स का, आई थिंक पता ज्यादती की आपने ना। नहीं यार बताना एक अलग बात होती है, आप टीम के टॉप मोस्ट बॉलर्स हो बेसिकली इस टाइम इस कंडीशन में, हमारा बेस्ट बॉलर्स ये। और ये ऐसा नहीं है कि आपने कराची में पहला मैच खेला, ये पांचवा मैच था आपका, पांचवे मैच में 20 प्लस वाइड्स, दैट एक्सेप्टेबल नहीं है। आप 56 में से 20 माइनस करके चलो चार पांच वाइड्स का डाल दो तो ये स्कोर ऑटोमेटिकली 40s के आसपास आ जाता है, 40s के आसपास चेजेबल था इस छोटे से उसके, तो क्योंकि छक्का कोई नहीं था रुक रहा, यहाँ पे तेज ही था यार। सब कुछ हम छोड़ देते हैं, कुदरत का निज़ाम है, आपको पता है सारा कुछ, छक्के पड़ जाते हैं आप पिछड़ा गिर जाएंगे, क्योंकि गल कर छक्के का मसला ही कोई नहीं है, बख्शी को बड़ा मसला ही कोई नहीं है। तुझे इतना तो अच्छा बोल रहा है, तुझे एक बंदे ने ऐसे निकल के छक्का मार दिया, समझो मसला नहीं है, ऐसे निकला वो ऐसे गिरा निकल जाएगा। लेकिन उस्ताद 20 प्लस वाइड्स जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं, और इसके बाद आप दोबारा नॉर्मल भी हो जाएंगे, लेकिन इसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसे तगड़ी टीम है, आपने इनसे बहुत तगड़ी टीम है लोर में आपने लटाई हुई है आसानी से। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक होम ग्राउंड का एडवांटेज भी तो होता है ना मुजाहिर भाई, ये आप इस बात को एग्री करें ना करें, एडवांटेज होता ही होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इस मैच से पहले कहां था, मैच के बाद कहां गया जाके, एक एक चीज आए आगे चले कुछ प्लेयर्स जो है ना इस टाइम वो शिट कर ली है उधर प्ले ऑन में, अब इधर कुछ और करने का टाइम, क्या हुआ सब पूरा, आप सोच रहे हैं कितनी गहराई है इसकी, ये हम बिल्कुल जी एच पर आ गए हैं, हैं लगा के देखे सो भाई, हमें वैसे ही एक बंदा ज्यादा है गाड़ी में ना, मैं फेम को फेंकने की सोच रहा हूं, फेम आए जरा, ओ अब इधर भी मसला आ गया कोई, नहीं वो देख किधर गया हुआ है, वो देख की हो गए, वो कौन है कहा, वो देख भाई जान एक ही जगह से छलांग मारो ताकि सारों को पकड़ ले, ओए की हो गया तेनू, थंबनेल तस्वीर आ गई है तेरी इधर, ये तो तू सदा बैठा हुआ है समुद्र के किनारे, ये बनती है, ये देख इसकी तस्वीर यही बनती है भाई, आज ना इसकी किस्मत अच्छी है, ओवर नहीं किया, ओवर नहीं किया, क्या कर बैठे हैं, क्या कर बैठे हैं, क्या की कर बैठा, की कर बैठा यार, जगह दे बैठ, नहीं जी इस तरह आज का व्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल लाहौर में नए व्लॉग के साथ, नई सीरीज के साथ इंशाल्लाह, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, अल्लाह हाफिज़।